आज हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन और इससे आगे जितना होगा उतना हम लोग बनाएंगे, तो हम इतना आज जितना होगा उतना हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका 4 तक हो चुका था और आज हम लोग 5 से लेकर जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला, किसी आयताकार हौज की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है और गहराई मतलब की ऊंचाई दिया हुआ है। जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ दिया हुआ है। उसकी दीवारों को अंदर से पेंट कराने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च होगा? तो अंदर से पेंट किया जाएगा तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 3 रुपये है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि उसको कितना मीटर स्क्वायर पेंट किया जाएगा। तो जितना होगा इसके अनुसार उसका जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही पृष्ठ का वहाँ पे पेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पे सोल्व लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हौज होगा एक, इस प्रकार से ये आयताकार ही होगा, तो इस प्रकार से ही होगा। तो इसके अंदर पेंट किया जाएगा तो जितना इधर पृष्ठ होगा उतना ही अंदर ही होगा। तो हम लोग इसका पृष्ठ, फिर इसका पृष्ठ, इसका इसका, और यानी कि चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है, ठीक है, वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास जो हौज है उसकी लंबाई दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या है, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई हमारे पास 3 मीटर था, ठीक है, और चौड़ाई जो है आप पूरा भी लिख सकते हैं, चौड़ाई हमारे पास 2 मीटर था और ऊंचाई यानी कि गहराई जो है वो हमारे पास 1.5 मीटर था, ठीक है, 1.5 मीटर था। तो हमें पता है कि चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × यानी परिमाप गुना ऊंचाई, ठीक है, परिमाप गुना ऊंचाई मतलब 2 × L+B, परिमाप हुआ उसमें ऊंचाई से गुना कर देना है। तो 2 हमारा लंबाई हुआ 3 मीटर और चौड़ाई हमारे पास 2 मीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, यानी गहराई, ठीक है। और यहाँ पे 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 10 होगा, ठीक है, 10 हुआ तो यहाँ पर 10 और गुना में 1.5, यहाँ पर 3 × 2 = 5 होगा, परिमाप 3 × 5 × 2 = 10 होगा और 10 × 1.5 करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। आप देखिए 10 10 और ये आधा तो 5 होगा, जैसे कि देखिए गुना करेंगे 10 × 5 = 50 के बाकी हाथ में 5, 10 × 10 और 5 15 हो गया, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव देंगे तो इसके आगे 0 का वैल्यू नहीं, मतलब ये 15 ही है, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर होगा इसका, 15 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का, चूंकि हम लोग लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर दीवार पेंट कराने का जो खर्च है वो है 3 रुपया, ठीक है, 3 रुपया, इसीलिए हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर टोटली क्षेत्र है उसको पेंट करना है तो कितना खर्च होगा? तो 15 मीटर स्क्वायर दीवार पेंट कराने का खर्च जो होगा, यहाँ पे का लिख लीजिएगा, का खर्च बराबर 15 × 3 यानी 3 × 15 तो हमारे पास 45 रुपया इसका आंसर होगा, ठीक है, 45 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना जो क्वेश्चन ये 5 नंबर वो क्लियर हो गया, चूँकि यहाँ पे पेंट करना था तो चारों दीवारों में पेंट होगा तो चारों दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि हमें क्षेत्रफल से पता चला इतना क्षेत्र पेंट होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो है 3 रुपये खर्च होता है, हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर पेंट करना है तो 15 × 3 = 45 रुपये इसका खर्च होगा। तो यही पूछ रहा था, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि आप सभी को फार्मूला पता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आसानी से कर लेंगे। जिसकी लंबाई दिया हुआ 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर, तो ईजिली आपसे ये बन जाएगा। यदि दीवारों पर सफ़ेदी 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कराया जाता है, यदि दीवार पे अगर सफ़ेदी कराना होगा तो 1 मीटर स्क्वायर पे उसको 4 रुपया खर्च लगेगा, तो हमें खर्च भी ज्ञात करना है। तो
तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका सफ़ेदी भी होगा, उतना ही क्षेत्रफल पर सफ़ेदी भी होगा। और वो क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर है वो अगर पता हो गया तो हमें एक मीटर स्क्वायर का 4 रुपया, सपोज 20 आए तो 20 चौ 80 रुपये लगेगा, मतलब कुछ भी आए, ठीक है, वो तो हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखेंगे और उसके बाद जो भी दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेंगे, उसके बाद हमारा जो बोल रहा है वो बनाएंगे। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्या, तो 6 नंबर क्वेश्चन हम सबसे पहले लिख लेंगे और यहाँ पे सोल्व भी लिख लेंगे। सोल्व लिखने के बाद में हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया है क्या क्या, तो दिया है लिख लेंगे या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसकी तो दीवारों की जो लंबाई है, ठीक है, वो लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई बराबर हमारा कितना है, 5 मीटर है, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि दीवार की लंबाई बराबर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर यहाँ पे चौड़ाई बराबर हमारा 4 मीटर है, और उसी प्रकार से जो हमारा ऊंचाई है वो है ऊंचाई बराबर 3 मीटर है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता है, ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वही हुआ, क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है परिमाप गुना ऊंचाई, यानी 2 × L + B, और गुना हमको कर देना है ऊंचाई से। तो 2 × L हमारे पास कितना है, अर्थात लंबाई तो 5 मीटर और चौड़ाई हमारे पास 4 मीटर और ऊंचाई हमारे पास 3 है। तो इतना रखने के बाद हमें सिंपली पहले ब्रैकेट का अंदर वाले भाग को क्रिया करेंगे, तो 5 और 9 ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगी, यानी 2 × 9 × 3, ठीक है, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, 54 चूँकि ये क्षेत्रफल है और मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर आया। अब हमें देखिए 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये लगता है, तो 54 मीटर स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कितना खर्च आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर दीवार, जाम हाथों में लेने की, यानी 1 मीटर स्क्वायर दीवार सफेदी कराने का खर्च बराबर 4 रुपया, ठीक है, अगर इतना है तो इसीलिए हमारे पास टोटल जो है वो 54 मीटर स्क्वायर हमारे पास दीवार का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इतना मीटर स्क्वायर दीवार सफ़ेदी कराने का जो खर्च होगा वो होगा 4 × 54, ठीक है, तो 4 × 54 रुपया में आएगा, चूँकि ये रुपया होगा ना, तो 416 के 6 बाकियात में 1, 5 = 20 और 1 बाकियात में 21 हो गया, यानी 216 रुपया हमारे पास खर्च होगा और इतना हमारे पास क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारा दोनों आंसर होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 80 cm × 48 cm × 24 cm माप वाले एक सूटकेस को, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार से होगा, तो इतना माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है, ठीक है, त्रिपाल का जो कपड़ा होता है उससे इसको ढकना है, मतलब ऐसा इस तरीके का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका जो हम लोग क्षेत्रफल तो इससे निकाल लेंगे, तो जितना क्षेत्रफल होगा उसको हमें त्रिपाल से ढकना होगा, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल का हमारे पास त्रिपाल के कपड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, ठीक है, तो 100 सूटकेस, तो हम लोग जितना एक का क्षेत्रफल आएगा उसमें से 100 से गुना कर देंगे तो वो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल होगा, और जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही हमें, उतना क्षेत्रफल का हमें त्रिपाल का कपड़ा भी चाहिए। तो ढकने के लिए, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए हमें 96 cm चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता है। चौड़ाई तो दिया हुआ, 96 cm चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगा, मतलब कितना मीटर लंबा इसकी आवश्यकता होगा, चौड़ाई दिया हुआ। जैसे हम लोग यहाँ पे समझें, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है
कि 96 जैसे ये तिरपाल है, ठीक है, ये कपड़ा इस प्रकार से ही रहता है, तो ये कपड़ा है, तो ये तो जितना भी क्षेत्रफल होगा, जितना उसका क्षेत्रफल होगा ना सूटकेस का, उतना ही क्षेत्रफल हम लोग इसका भी होगा, मतलब इस उतना ही क्षेत्रफल का कपड़ा लेंगे हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, चूँकि इसका दिया हुआ है, ठीक है, नहीं सॉरी चौड़ाई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे चौड़ाई हमारे पास दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। तो चूँकि कितना मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता होगा, तो कितना मीटर लंबा इसका आवश्यकता होगा वो हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, चूँकि एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसको हम लोग सोल्व लिखेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने सभी क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लंबाई है वो हमारा सबसे पहले हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 था। फिर हमारे पास जो चौड़ाई है वो हो जाएगा चौड़ाई 48 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो ऊंचाई है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना हो गया, तो चूंकि ये सूटकेस जो होता है वो आयताकार होता है, ठीक है, इस प्रकार से ही होगा, आयताकार ही होगा सूटकेस, जैसा कि इसी प्रकार से सूटकेस होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से सूटकेस होगा, तो हमें पता ही आयताकार होगा अर्थात घनाभ के जैसा होगा, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्थात सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे। तो सूटकेस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोग निकाल लेंगे कि कितना एक्चुअली इसका एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है, उसी उतना ही आपका तिरपाल भी होगा। तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल भी लिख देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देंगे कुल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास थोड़ा 2 LB + BH + HL होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला यही है, और यहाँ पे 2 × लंबाई हमारे पास 80 है, और इंटू में चौड़ाई हमारे पास 48 है, प्लस में B × H हमारे पास ये अर्थात चौड़ाई भी 48 है और गुना ऊंचाई हमारे पास 24 है, ठीक है, प्लस में HL है, तो H हमारे पास अर्थात ऊंचाई 24 है और गुना लंबाई हमारे पास 80 है, ठीक है, ये हमारा हुआ क्षेत्रफल सूटकेस का। अब इसको अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हम लोग 80 और 48 में गुना करेंगे, तो आपको कैसे करना है आप कर लीजिएगा, बट यहाँ पे देखिए 8 × 8 = 64 का 4 होता है, बाकी हाथ में हमारे पास 6 बचा, और 8 × 32 और 6 हमारे पास 38 होता है, 10 है तो 10 दे दिए प्लस। अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, तो ये तो आपका 24 है और ये 48 है, गुना हम लोग साइड में करना पड़ेगा। अगर हम इसको 50 मान लें, ठीक है, तो 50 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए 50, तो यहाँ पे सबसे पहले साइड में हम गुना कर देते हैं, 48 था और गुना, यानी 50 गुना अगर 24 करें तो 24 तो 4 × 5 = 20 बाकी हाथ में हमारे पास 2 होगा, 4 × 5 = 0 बाकी हाथ में 2, 5 × 10 और बाकी हाथ में 2, तो 10 × 2 = 12 अर्थात 120 ये हुआ और ये 1200 हुआ, और इसमें 2 हमने बढ़ाया था 48 ही था एक्चुअली, ये 2 बढ़ाया अर्थात 24 × 48 इसमें ज़्यादा है, तो 48 इसमें से निकाल लेंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 ये 1152 इसका आएगा, ठीक है, तो 1152 आएगा। आप चाहें तो अच्छे से गुना भी कर लेंगे इसको, वरना ऐसे मिस्टेक वगैरह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 24 है, ये तो पूरा पूरी संख्या है, तो 8 × 32 बाकी हाथ में 3, 8 × 2 = 16 और 3 हमारे पास 19, ठीक है, तो 8 × 32 = 2 बाकी हाथ में 3, 8 × 2 = 16 = 3 = 19, 10 होगी। अब हम सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। अब 1 0 2 0 तो यहाँ पे 0 में 2 जुटेगा 2 ही रहेगा, 0 में फिर से 2 ही रहेगा, तो 2 हुआ, दूसरा अंक 2, 5 × 2 = 7 और 7 × 4 = 11 के 1 बाकी हाथ में हमारे पास 1 रहा, तीसरा अंक 9, 1 = 10 और 10 और तीसरा अंक यहाँ पे 8 है, 10 × 8 = 18, 1 = 19 हुआ और बाकी हाथ में 1 रहा, ठीक है। चौथा अंक पे आएंगे तो ये रहा चौथा, तो 1 1 1 2 2 और यहाँ पे 3 × 2 = 5 1 = 6 ये हुआ, ठीक है, 1 2 और 3 × 2 = 5 1 बाकी 6 हुआ, इतना हुआ। अब इसमें गुना करेंगे, 2 × 2 = 4 हुआ, 2 × 1 = 2 हुआ और 9 × 2 = 18 = 8 बाकी हाथ में 1 × 6 = 12 = 13 13,824 हुआ। चूंकि ये तो हमारा एक सूटकेस का हुआ ना, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि
चूँकि एक सूट केस का क्षेत्रफल जो हमारे पास है वो तो हमें निकल गया, एक सूट केस का क्षेत्रफल, एक सूट केस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास है एक सूट केस का वो है 13,824। तो हमारे पास इसीलिए हमारा ऐसा 100 के बाद क्या जा रहा है, तो 100 सूटकेस का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 13,824 गुना 100, गुना करेंगे तो 13,824 पे 00 होगा, ये हमारा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वहाँ पे 96 सेंटीमीटर सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला जो हमारे पास कपड़ा है, तिरपाल है, तो कितना मीटर कपड़े की आवश्यकता होगा अर्थात लंबाई निकालेंगे। तो चूंकि जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 100 है और चौड़ाई हमारे पास 96, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा अर्थात, ठीक है, उतना ही तो ये है इसका क्षेत्रफल होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल कपड़ा की आवश्यकता होगा, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें x निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर होगा सूटकेस का क्षेत्रफल, क्योंकि जितना सूटकेस होगा उतना ही तो ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिए, जितना आपका सूटकेस होगा उतना ही आपका कपड़ा का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, तभी तो ढकेगा। ठीक है, तो उतना ही क्षेत्रफल इतना होगा, कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 13,824 00, ये सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये सब। ठीक है, और लंबाई हमारे पास नहीं है, इसको निकालना है, और चौड़ाई हमारे पास 96 है, और ये हमारा 13,824 00 है इधर, और हमें इधर क्या करना होगा, 96 इधर इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो अगर हम लोग इधर यहाँ पे इस प्रकार से कर दें और नीचे 96 लिखे, ये सब सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा और ये भी सेंटीमीटर में। अब 96 और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2 शून्य को अभी इग्नोर करते हैं, और 13,824 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे और इसको भी 2 से काटेंगे। ठीक, साइड में इधर आते हैं और यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, आपको बता देते किस प्रकार से 13,824 00 है, ठीक है, और नीचे हमारे पास 96 है, तो हम लोग यहाँ पे छोटा करेंगे, इसको 6 × 12 काटा, बाकियत में 1, तो 1 18 हुआ ना, ये 9 × 18 काटा, ठीक है, और ये 2 × 2 और 2 × 4 2 शून्य है 2 शून्य है, इधर नीचे 48 × 96 होता है, फिर से यहाँ पे काटेंगे इसको 24 × 48 और यहाँ पे 3 × 6 4 × 8 5 × 10 6 × 12, आप लोग काट लीजिएगा बढ़िया से इसको, यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब ये भी कट गया और ये भी कट गया, अब यहाँ पे 12 × 24 काटेंगे तो इसको भी काटना होगा, 17 × 34 और यहाँ पे 2 × 4 8 × 16, ठीक है, अब इसको काटे 6 × 12 तो इसको भी काटेंगे 8 × 16 और एक बचा तो 1 × 2 12 हो गया, 6 × 12 और यहाँ पे 8 है 4 × 8, अब इसको फिर से काटेंगे 3 × 6 तो ये भी कटेगा, 4 × 8 3 × 6 और 2 × 4, ठीक है, अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 × 3 432 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 बाकियात में 1, तो 1 × 3 13 3 × 4 12, ठीक है, 3 × 4 12 हुआ और 12, ये तो 13 है, तो 13 तो 12 गया तो 1 बचा, 1 × 2 12 हुआ तो 3 × 4 12, यानी 144 हमारे पास आएगा और 2 शून्य ये रहा, यानी 144 पे 2 शून्य आएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, अर्थात x बराबर 144 पर 2 शून्य, ये तो हमारे पास सेंटीमीटर हुआ, और अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा तभी, ये तो 144 है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तब ये मीटर में होगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म, मतलब कि 144 हमारे पास मीटर इसका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में हम लोग को चेंज कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 1400 सेंट, ये 144 ये 00 ये हमारा सेंटीमीटर में है,
हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो 200 से 200 खत्म, तो 144 मीटर अब हुआ, ये आंसर हुआ। चूँकि यहाँ पे देखिए हमें पता है, आप चाहे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी 1 मीटर बराबर, या फिर 100 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास 1/100 मीटर होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ, ये भागम इधर आ गया गुना में, सॉरी यहाँ गुना में इधर आ गया भागम, इतना मीटर हुआ, ठीक है। अगर हमें कोई भी 1 सेंटीमीटर है तो 1/100 मीटर होगा, मतलब कि हमें सेंटीमीटर में से, मीटर से, सेंटीमीटर में से 100 से भागा देना होगा, तब मीटर में आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, 5 होता है यहाँ पे 5 होता है। उसी प्रकार से हमने देखा 144 सेंटीमीटर था, 144 पे 00 इतना सेंटीमीटर था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना होगा, मतलब इसमें गुना करेंगे, 100 ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो भी बात एक ही है, 200 से 200 खत्म, तो 144 गुना 1 तो उतना ही रहेगा, मतलब आप डायरेक्ट 100 से भागा भी करते उतना ही आता है, ठीक है। तो 144 मीटर आया, ठीक है ना। तो ये हमारा आपका आंसर हो गया, इतना लंबा कपड़ा मीटर की आवश्यकता होगा, ठीक है, इतना लंबाई, ठीक है। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, और नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें बेलन की भी बात हो रहा है, तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।